पवन कर आया चोर 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 पवन आया पकड़ 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 गेट तो बंद है ताला लगा है मुझे लगता है वो अंदर गया है इसके अंदर गया है तो समझ ले जिंदगी खत्म हो गई इसकी मैं देखूं क्या अंदर जाके नहीं 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 इस बंगले के बारे में तू नहीं जानता इस बंगले में जो भी अंदर गया वो गया मेरे हिसाब से सुबह हो जाने दो हम एक काम करते हैं पुलिस को बुलाते हैं हाँ हाँ कल हम पुलिस को लेके आते हैं अभी हम लोग चलते हैं सुबह जिंदा मिला तो उसकी किस्मत चलो भाई चलो चलो हाँ चलो चलते हैं अगर वो इसके अंदर गया तो खेल खत्म सर, इस बंगले में जाने की कोशिश की थी मिस्टर राउथर इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे इस बंगले की तलाशी लेनी होगी अंदर से देखना है सर कुंजाली जरा जाके बंगला खोल दो Thank you.
सर, अंदर पूरा सर्च कर लिया, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। सबूत के तौर पे एक सुई तक नहीं मिली। मनु को साथ में लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ओके सर। और आज के बाद रात दिन इस बंगले पर एक एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाओ। यस सर। बाहर से कोई अंदर आने की कोशिश करे या किसी बात पर तुम्हें शक हो तुम मुझे इन्फॉर्म करो फौरन। यस सर। सर, कोई सबूत मिला क्या? हम अभी आए हैं, तहकीकात चालू है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है डिटेल में। जी सर। फोन करूं तो कोऑपरेट करना। जी सर। सर, सर हमारा द्रोणा मिसिंग है। व्हाट? वो कैसे? वो कमरे से गायब हो गया सर, हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। एक काम करो, रिपोर्ट टू द कमिश्नर इमीडिएटली। सर, कम शिव प्रसाद, मैं उस तरफ आ रहा हूं, गेस्ट हाउस में। ओके। वो क्या है ना राउतर सर, ये सारा प्रॉब्लम बंगला तोड़ने के बाद ही शुरू हुआ है, आप जानते ही हैं। नहीं यार, इस सारी मुसीबत की जड़ सिर्फ तुम हो। मैं? हाँ, और नहीं तो क्या? ये बंगला मैंने इसलिए नहीं खरीदा कि भूत यहाँ पर आकर बिंदास रहने लगे। इसकी मुंह मांगी कीमत मैंने क्यों दी जानते हो? ताकि मैं वो बंगला तुड़वा कर वहां अच्छा रिसोर्ट बना के पैसा कमा सकूं, यही मेरा प्लान था। ये मेरी जिंदगी की पहली घटना है। बिना बंगला तोड़े हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं क्या सर? अरे ऐसे कैसे, तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम्हारे ही अंदर कोई चोर छुपा है। तुम इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? अरे सर, इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट, इसमें तो पंडित जी का हिसाब किताब कुछ। पंडित जी? क्या हिसाब किताब है? वहां जो समस्या है उसका हल करने के बाद ही कोई कदम उठाइएगा। उसमें रहने वाली आत्मा अच्छी नहीं है, दुर्घटना होने की संभावना है। पंडित जी सारी बातें खुलकर बताओ। शिव प्रसाद के कहने से मैं उस बंगले को देखने के लिए गया था।
अंदर नहीं जाएंगे? अंदर जाने के लिए नहीं, बाहर से आवाहन करने के लिए यहां आया हूं मैं। कुछ भी दिखे तो डरना नहीं, बहुत अद्भुत दृश्य दिख सकते हैं यहां। माया जाल है ये, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सब उसकी धोखेबाजी है। घबराना मत, अपने मन पे काबू रखना होगा तुम्हें। और मैं? जहां खड़े रहोगे वहां से हिलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनो, मैं इस बंगले के पूरे 3 चक्कर लगाऊंगा, तब तक एक शब्द नहीं बोलना तुम। सारी बुरी आत्माओं को इस मटकी में कैद करने तक अपने मन के अंदर मंत्र जाप करते रहना होगा। आत्माओं के वास होने की वजह से वहां अलग अलग घटनाएं होती रहेंगी। अगर आवाहन करोगे उनका तो फिर उसका फल बहुत भयानक होगा। बहुत शक्तिशाली बुरी आत्माएं किसी बंगले में निवास कर लें तो कोई भी उनसे आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल चाहिए ना तुम्हें? ये मेरे वश की बात नहीं है, वो बड़ी शक्तिशाली है, उसके लिए बड़े तांत्रिक को बुलाना होगा, कठिन हवन करना होगा, तब होगा। अच्छा, ऐसा है तो मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस बंगले को तुड़वा ही देते हैं। नहीं सर, मैं एक बात समझाता हूं। मेरे पहचान का एक आदमी है, वो है मिस्टर आनंद। इस तरह के कई केसेस में इन्वॉल्व होकर काम किया है और अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। मेरे हिसाब से उन्हें बुलाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आनंद दुष्ट आत्माओं से डायरेक्ट बात करने की शक्ति रखते हैं, उनको बुलाने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। वो इस समय कहाँ है? पता नहीं सर, मैं उन्हें कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे संपर्क करके अपनी बहुत सारी परेशानियां दूर कर चुकी हैं।
ये मुझे अच्छे से पता है। बहुत भटकते रहते हैं देश विदेश घूमने वाले एक जिप्सी इंसान है। वो जहां कहीं भी जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं और अपनी मर्जी से ही वापस आते हैं। हम सबसे हटकर एक अलग ही स्वभाव वाला जवान मर्द है, बहुत जीनियस है। अच्छा ठीक है, उन्हें जल्द से जल्द बुला लो। कहां है ये पता करके उन्हें यहां ले आऊंगा। कौन हो तुम? सुनाई नहीं दिया? जवाब दो, कौन हो तुम? चांदिनी। चांदिनी, बताओ तुमने इस शरीर में क्यों प्रवेश किया है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बताओ मुझे चांदनी, मुझसे क्या चाहती हो? बताओ मुझे, मैं सुनूंगा। बताऊंगी। चांदनी, मेरा यकीन करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मैं जो जगह दूंगा वहां तुम बहुत खुशी से रह सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसी वक्त अभी इस शरीर को छोड़ना होगा। ये क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ी। कुआं कहाँ है? इस घर में कुआं किस दिशा में है? बताओ, जल्दी बताओ। किस लिए? सवाल मत करो, सिर्फ जवाब दो। पूर्व या पश्चिम हवन कहीं से तो शुरू करना होगा। उसके लिए कुएं की जल की आवश्यकता होगी। कहाँ है पानी का स्रोत? कहाँ है? वहाँ है। किस तरफ? कुआं है बाहर। मैं इस तरह। कुआ है या तालाब है? हरिओम। चखना के डर है, डर को भगाना है तो एक पैग और मार लेता हूँ। देवी आइए, अभी माँ के प्रसाद के लिए पहले अपना दक्षिणा ले लूंगा और फिर किसी को पता ना चले ऐसा एकदम खड़ा हो जाऊंगा सीधा। स्त्री बस, अब कोई खतरा नहीं है, सब संभाल लिया, बस हो गया। हाँ छोड़ दिया। हाँ मैंने भी देखा भैया। ये चांदनी कौन है? वो तो बच्ची की बहुत खास सहेली थी, मर चुकी है। क्या बात है सर? उस बच्ची का कुछ सामान इस घर में है क्या? याद कीजिए। उस बच्ची के घर वाले और हम लोगों के बीच अच्छी जान पहचान है। चांदनी ने कुछ खिलौने हमारी बच्ची को खेलने के लिए दिए थे, वो यहीं पर है। वही परेशानी की जड़ है। उन्हें जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा दीजिए। चांदनी अपने खिलौनों से बहुत प्यार करती थी, उनकी सही जगह उसी का घर है।
अब डरने की कोई बात नहीं, बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। दक्षिणा कितना दे? दक्षिणा वाला तो कोई काम किया ही नहीं। चलो बेटी, सब मेरी वजह से ही हुआ है, ख्याल रखो। क्या ख्याल रखो? अरे उन्हें मालूम है, तू बस आ जा, चल आ जा, जा। देख उनकी बच्ची है, उन्हें मालूम है कैसे ख्याल रखना है। याद रख, कुएं के पास मत जाइयो। हेलो सुबेर भाई, धमकी भरी बात करने में तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो फिर तुम ही बात करो। हेलो हेलो कौन? हमारा बेटी तुम्हारे पास है। क्या नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बेटी हमारे पास है। 2 करोड़ रुपए दे दूंगी, तुम्हारी बेटी का हम वापस करेगा। हेलो ये तुम क्या कह रहे हो? हेलो पुलिस को बताएगी तो तुम्हारी बेटी को मारेगा। तुम गब्बर सिंह के भी बाप निकले। पता नहीं कौन बकवास कर रहा है। अरे सुनते हो, कहाँ हो? पता नहीं किसका फोन है, हिंदी फिल्म की विलेन की तरह अनाप शनाप डायलॉग बोल रहा है। लो बात करो। ऐसे कई नालायक लोग होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, मैं देखता हूँ। हेलो तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, 2 करोड़ रुपया तुम्हें देना होगा तो ही तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ। ये कौन पागल बोल रहा है? रोज सुबह की तरह जॉगिंग पे गई है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? हेलो कल इसी वक्त मैं फोन करूंगा, पैसों का इंतजाम करके रखना। अगर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगे, समझा? ओके। बहुत अच्छा। हेलो 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 आलोशी, मैं प्रसाद अंकल बोल रहा हूँ। रियाज मोहम्मद। यस सर। मैं साइबर सेल का SI एलोसियस एंथोनी। सर रियाज, जो लड़की किडनैप हुई है वो मेरी भतीजी है, किसी भी हालत में ये बात पत्रकारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखो। श्योर सर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, किडनैपर को हम किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालेंगे, उसके लिए पूरी फोर्स तैयार है। ये बात मीडिया तक ना पहुंचे इसकी भी खबरदारी ले रहे हैं हम लोग। आलूसी मेरी बेटी। भाभी को कहिए टेंशन ना लें, पूरे शहर में पुलिस खोज रही है, किडनैपर हमारे हाथ से नहीं बच पाएंगे। दोबारा उनका फोन आए तो मुझे बताइए। मैं चलता हूं। सुबेर भाई इसे तुम उठाओ, ये मेरे वश की नहीं है। अरे चुप कर, के करती रहती है। सुबह भाई तुम जाओ, मैं तुम्हें दूसरे नंबर पे फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, अब हम कल सुबह मिलेंगे। ओके निकलो। समझ गया भाई, चल निकल। Hey!
जरा कुर्सी इधर कर। हाँ हाँ, इसे यहाँ रखता हूँ। बैठा बैठा, इसे बैठा। हाँ ठीक है, बैठा। लाओ इसे। चल बैठ। बैठा। रसीला रसीला, जल्दी। अरे बांधना, कसकर बांध, जल्दी कर। हाँ, इसे बांध। हाँ, अरे कसकर बांध, जल्दी कर, थड़फड़ मत कर। तड़प रही है, तुझे कोई मारेगा नहीं। हाँ, रस्सी यहीं पर है। काम तू मत कर, फड़फड़ा मत, चुप कर, समझी? ये ऐसे नहीं मानेगी, चुप कर तू, चुप कर। पता नहीं ये बंगला किसका है। किसे पता, यहाँ का इंतजाम सुखदन ने किया है, उसका एरिया है, उसी ने इस बंगले के बारे में मुझे बताया। किसी करोड़पति का होगा, वरना इस तरह खाली थोड़ी पड़ा होता। जो भी है, यहाँ सारी सुविधा है, पुलिस चाहे जितना भी खोज ले, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। जाकर देखता हूँ। हाँ, ये मोमबत्ती लेकर जाओ, वरना अंधेरे में ठोकर खा के गिर पड़ोगे। You're
कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है फादर। उस प्रॉपर्टी में मेरा बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो चुका है। इतना पैसा डालने के बाद भी इतनी सारी मुसीबतें, कुछ ठीक नहीं लग रहा है फादर। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन इसके समाधान के लिए क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा। अब हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जेसीबी के साथ कल कुछ मजदूर बंगले पे पहुंच रहे हैं। शिव प्रसाद से कह के मैंने वो सारा इंतजाम कर लिया है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, मैं प्रे करूंगा। आपके पवित्र चरण कल उस जगह पर पड़े यही इच्छा है, अगर कोई काम ना हो तो। कोई काम नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। तो फिर मैं चलता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। यहां कोई धमाधम वाला सम्मेलन या कार्यक्रम हो रहा है क्या? सर, यही है वो आनंद। ओ, आप ही हैं जो आत्माओं से बात करते हैं? हाँ, हेलो। जी हाँ सर। यहाँ पर क्या चल रहा है सर? ये जेसीबी वगैरह क्यों मंगाई हैं? जेसीबी इस बंगले को गिराने के लिए। आप एकदम सही वक्त पर आए हैं। यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, इसलिए इस बंगले को तुड़वाना चाहते हैं। जीसस, यकीन नहीं हो रहा। सर, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, उसके अंदर जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान हो जाएगा, आप यकीन रखिए। हमें तो बस अब आप ही पे विश्वास है मिस्टर आनंद, क्योंकि आप आत्मविश्वासी हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बाहर किसी को ना पता चले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यही रहें। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अंदर अच्छे कमरे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कई दिनों से कमरों की साफ सफाई नहीं हुई है, वो कर देंगे तो। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं मैनेज कर लूंगा। तो अब मैं जा सकता हूँ? जी ठीक है सर।
जब मैंने सुना तो मुझे नहीं पता था ये बंगला इतना शानदार होगा। ये कोई किला है या महल? ये मरे हुए लोगों का किला है या आत्माओं का राज है? क्यों डर लग रहा है? डर? और हमें? जब आप जैसा भाई हमारे साथ है तो भूत हमारा क्या करेगा? ऐसा क्या? भाई खुद ही बहुत बड़ा भूत है। आपने तो किस बात का डर? आओ चलें। सर तो चले गए। एक दो नहीं, 5 करोड़। 5 करोड़ रुपया किसी और जगह इन्वेस्ट करने के लिए मैंने तुम्हें दिया है। टोनी, छोटे मोटे लफड़े हर बंगले में हैं। कल तक मैं सारी देखरेख करता था, वो भी वेल प्लान्ड। मैंने जिसे मूर्ति चोरी करवाने के लिए भेजा था मैंने उसे मार दिया। जिस पंडित को मैंने वहां भेजा था उसे भी डराकर वहां से भगा दिया। इस तरह मैंने उस बंगले को सेफ किया था। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है सच में वहां कोई आत्मा रह रही हो। कल वहां पर ऐसा लगा जैसे कि कोई आत्मा हो। तो पागल है प्रेतों के जैसा? किस जमाने में जी रहा है तू? एक बात सुन ले, अगर तू मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है ना तो याद रखना। हाँ, थोड़ी और पीले भेड़ तुझे कुछ नहीं होगा, तू नहीं डरेगा। ओ, मैं सारी शराब पी जाऊंगा इसलिए बोल रहे हैं आप? हाँ। भाई बोल। भाई अपनी आंखों से आपने भूत को कितनी बार देखा होगा? मैं देखता नहीं हूँ मुत्तू, मैं सिर्फ सुनता हूँ। ठीक, इसका मतलब अब तक आपने आंखों से भूत को देखा ही नहीं। देखने की क्या जरूरत है, उन्हें सुन के ही समझ में आ जाता है। उनके जज्बात, उनकी ताकत, वो कौन है, सब कुछ। हाँ। अगर एक बार मैं भूत को देख लूं तो? देख लेता तो? उस दिन इनकी पैंट गीली हो जाएगी भाई। मैं टंकी खाली करके आता हूँ। उधर जाना। अबे मैं जाता हूँ आराम से। भाई उधर भूत हो सकता है, समझ के जाना। जो भरा है वो तो खाली होगा। चांद तू पानी मिल रहा है, मैं इधर हिल रहा हूँ। सेम प्रिंस, मैं आता हूँ तेरे पास। सीढ़ी भी दूर है, कुएं में तो सीढ़ी लगाने की क्या जरूरत। प्रीतात्मा भूत बाधो, भूत बचाओ, बचाओ भूत, भूत बाधो।
तुम्हारा वहम होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा वहां कुएं में भूत है, जाके देखो। क्या बकरा है आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा है। आपने भूत प्रेत की बात छेड़ी तभी मैं समझ गया था आप कोई नौटंकी जरूर करेंगे। तुम बेकार का चिल्लाना बंद करो, जरा चुप रहो। ये बताओ कहाँ देखा इसको? मैं यहाँ। तू डर मत, जरा चुप रह, आ चल जाकर देखते हैं। चल चलो, मैं भी आ रहा हूँ। मेरी बात को विश्वास नहीं मान रहे थे ना? चलो चलो। देखा ना भाई, ये आवाज कैसी? वो मेरे पेट की गैस है। भैया संभल के। ए, ए, आओ, तुम आ ही गए है ना? मैं जानता था तुम आए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। देखो अब यहां ज्यादा दिनों तक तांडव नहीं चलेगा। तुम्हारे आने के बाद मैं उसका अंत देख रहा हूं। ऐसा नहीं होता तो जो मैं जानता हूं, इस बंगले में आने की हिम्मत और कौन कर पाता? मेरे यहां आने की वजह सब जानते हैं। समझ गया। ऐतराज ना हो तो कुछ देर के लिए मेरे साथ बैठेंगे? लेकिन मुझे कोई ऐतराज नहीं। कई दशक के बाद कोई यहां ये कहने की हिम्मत कर पाया है। मैं आऊंगा। ये बूढ़ा मरा तो कल भूत प्रेत ही बनेगा। उस बंगले का मालिक विलियम डिसूजा था। कई दशकों से यहां उधम मचाने वाले कई प्रेत आत्माओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत बड़े व्यापारी होने के बाद भी वो अपने गांव वालों से और उनके गांव वाले भी बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। सच्चाई उनकी जुबान पर गुलाब के जैसे महकता था। ऐसे थे विलियम डिसूजा। उनकी एक इकलौती बेटी थी लिया, मोतियों से ज्यादा खूबसूरत और साफ दिल की थी। बचपन में अपनी मां को खो देने के बाद भी कभी उसे तनाई महसूस नहीं हुई, क्योंकि डिसूजा उसे दोनों का प्यार देते थे। घर का कामकाज देखने के लिए डिसूजा साहब ने एक नौजवान लड़के को रखा। उसका नाम था देवनारायण। वक्त गुजरता गया, जवां दो दिल एक दूसरे की तरफ खिसते चले गए। उन दोनों की खुशियों के बीच अचानक एक शैतान की नजर पड़ी। दो हंस की जोड़ी को हंसते खेलते देखकर उस शैतान ने बड़े मालिक को बता दिया। ये सुनकर बड़े मालिक विचार में पड़ गए। बड़े मालिक अपने मानसिक तकलीफ को दूर करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं। अपनी दुख तकलीफ को उसके सामने रख देते हैं। बड़े मालिक ने उसके उपाय ढूंढने को कहा। लिया के मन से देव नारायण की यादों को हमेशा के लिए निकाल दूंगा, ये वादा तांत्रिक अग्नि शर्मा ने मालिक से किया। लेकिन लिया की खूबसूरती और नटखटपन को देखकर अग्नि शर्मा उस पर मोहित हो गया और उसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रखने का फैसला किया। एक दिन देव नारायण को धोखे से काम के बहाने ले जाकर उसे मारकर पहाड़ के खाई में फेंक दिया अग्नि शर्मा ने।
वहां से सीधा बंगले की ओर बढ़ा अग्नि शर्मा और लिया को अपने वश में कर लेने का प्रयास किया। देवनारायण की हत्या उसने की है ये सुनते ही लिया ने जान दे दी। ऐसी शैतानी रूप में यहां था वो अग्नि शर्मा। उसके बाद लिया की आत्मा और देवनारायण की आत्मा कभी एक साथ नहीं हो पाई। अग्नि शर्मा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से बुरी आत्मा को अपने वश में करके इस बंगले के चारों ओर उनका पहरा लगा दिया। उसके बाद अग्नि शर्मा ने आत्महत्या कर ली ताकि देवनारायण और लिया की आत्मा एक ना हो पाए। बाप रे, भयानक घटना। अच्छा, ज्यादा वक्त पियो, जाके इन्हें छोड़ के आओ। भैया ने बोला ज्यादा मैं छोड़ तो मुझे कौन छोड़ेगा काका, थोड़े पियोगे? नहीं बस, नहीं 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 नहीं। आप लोगों को पता है क्या, यहाँ अद्भुत घटना होने का समय हो गया है। मरकर भी जो यहाँ अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है। तुम्हें सच्चाई का पता है क्या? नहीं। इस माशे की बीवी की मौत डर से हुई है, डर से। आपको कैसे पता? अशांति इसी को देख के। अशांति का खेल है सब, अशांति का फैलाने वाला है, अशांति फैलाने वाला है। सुनना, वो बाहर जो उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें उस बात पे विश्वास है क्या? यहाँ पर ना भूत है ना ही कुछ और, यहाँ पर सिर्फ खजाना है, खजाना। समझ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? ताकि मंदिर में कोई प्रवेश ना करे। तो हम जा पाएंगे भैया? जाएंगे, इस मंदिर में हम लोग जरूर जाएंगे और अपने इन्हीं हाथों से खजाने को लूटेंगे। इन्हीं हाथों से? क्या हुआ भैया, उल्टी? उल्टी नहीं, किसी को उठने से पहले चाह भी उड़ा लेंगे और लूट लेंगे सब कुछ। आपका कहना सच हो साहब। कितनी गहरी नींद में सोया ये इंसान, पर हमको नहीं सोना है। मैं उठाता हूँ, उठाने की जरूरत नहीं है। सॉरी सॉरी। अच्छा भैया, कितनी गहरी नींद में सोए हैं ये। बोतल ले ले। बोतल नहीं, दिया लेता हूँ। रामा जीओ। किसको? बोतल को। बोतल ली नहीं है क्या? रात में दिया रात में गुलाब के बाग में घूमे तो लगा दिल पर कांटा। अच्छा सुनिए। कौन? मैं हूँ। तो अच्छा, भयंकर। मैं भयंकर एकदम। चल, आपसे किसने बोला यहाँ खजाना है? बुजुर्गों ने। तुमने कभी सुना नहीं क्या, बुजुर्गों ने कहा है कि खजाना मंदिर में होता है। जैसे शेखर ने मंदिर में खजाना छुपाया था, हैं? हम यही। अरे आप चाबी सही नहीं पकड़ रहे हैं तो खजाना कैसे उठाएंगे? भैया, इस फोटो में दिखने वाली खूबसूरत लड़की कौन है?
अरे उस जमाने की मैम होगी। अच्छा मस्त है। उधर देख, उधर क्या है भैया? शराब की बोतल। तो पीछेट में देखता हूँ, ला दे। भगवान भी हम लोगों का इंतजाम कर ही देता है। भैया एक सवाल है, भैया एक सवाल है मेरा। भूत भी शराब पीते हैं? भयंकर पीते हैं, पी पी कर मरते हैं, पी पी कर। और पीने का उनका नाम होता भयंकर आत्मा। चलो उनके नाम पर एक और बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं? जिन। ओ, उनकी शराब आज तक मैंने नहीं पी। अब मिल गई ना, चल बिले, बाकी का मैं देख लूंगा। गले में कुछ लग रहा है। ये दोनों कहां गए? बंगले की चाबी तो यहां रखी थी। मुत्तू, उठ। मुझे कोई नहीं उठा सकता। मुझे कोई नहीं उठा सकता। सुन, गेट अप, चलो उठ। आओ मेरे जिन। खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है।
सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। पानी। ए? पानी, पानी। अग्नि शर्मा की बंदिश को तोड़कर तुझे यहाँ तेरी मौत खींच कर लाई है। मेरे बंदिश को तोड़कर जिसने ये लकीर को लांघने की कोशिश की वो लोग अब तक जिंदा नहीं बचे, समझे? इसलिए कह रहा हूँ चला जा। नहीं, इसकी रक्षा किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ से चला जा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या देखा आपने? क्या हुआ आपको? अरे बताइए तो सही।
नमस्ते, बैठिए 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 बैठिए। चेहरे से लगता है कि आप कुछ डरे हुए हैं। कोई ऐसी चीज देख ली है जो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है ना? अगर आप मुझे बताएंगे तो समझ सकता हूँ। वैसे मेरी विद्या कहती है कि आपने सपने में कुछ देखा है, जैसे कि कोई प्रेत आत्मा। जी हाँ। कल रात को इन्होंने कोई सपना देखा और इतना डर गए कि क्या बताऊं। वैसे आपने सपने में क्या देखा है? हाल ही में हम लोगों ने एक नया बंगला खरीदा है। कुछ दिनों पहले ये वहां पर गए थे। वहां से आने के बाद इनको सपने आने लगे हैं। कल रात को सपने में इनका पैर पकड़कर किसी ने खींचकर हमला किया। वैसे पूरा सपना इन्हें भी ठीक से याद नहीं। बंगला, स्वप्न, दुष्स्वप्न, वहां तो कुछ ही आत्माओं का वास है। उस बंगले में पहले कोई घटना घटी है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों से कुछ कहानी सुनी है। कहानी नहीं, कहानी से भी भयानक डरावनी कुछ सच्चाई भी है। हमारे विश्वास और सोच से हटकर कुछ जो परलोक सिधार गए उन पर उस बंगले में कुछ आप भी थी, जो इंसानों से सोच के विपरीत सच्ची आत्मशक्ति वहां है, सच्ची घटना है। वैसे अभी वहां कुछ विशेष काम हो रहा है क्या? जैसे? जी हाँ, वो बंगले को तोड़ के। बस रुको, यही उसकी वजह है। वहां रहने वाले आत्माओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसका कुछ इशारा ही आपके सामने आया हुआ है। इसलिए मेरी राय में उसका उचित उपाय किए बिना ऐसा कोई भी काम वहां मत कीजिए, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी। वहां जितनी भी आत्माओं का वास है सब उग्र रूप धारण करेंगे, डराने का संभव प्रयास करेंगे। उन्हें एक सही स्थान दे दीजिए तो आपके काम में रुकावट नहीं आएगी। देखिए, घबराइए मत, ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसे मंत्रों से रोका ना जा सके, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। दुश्मन कौन है, वो कितना शक्तिशाली है, जानना होगा तभी समाधान मिलेगा। अब आप ही बताइए शास्त्री जी, मैं क्या करूं? ऐसे डर डर के कब तक जीऊंगा मैं? आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं, हर चीज का समाधान है। विश्वास नाम का एक महाशक्तिमान इस संसार में है कि नहीं? इसलिए अब आप घर जाइए, मैं आपके साथ हूं, मैं खुद वहां आऊंगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे। हाँ। शंभु शंभु। नमस्ते। शंभु महादेव, सबकी रक्षा करो। ये कोई रेस में दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है भैया, जो मालिश कर रहे हैं, ये जीप है। इस जीप की मैं खाल उधेड़ दूंगा। हाँ उधेड़ दो। शीशा टूट जाएगा संभल के। कौन है? क्या पता होगा। Thank you.
द डिलीवरेंस ऑफ इविल स्पिरिट्स, अ प्रैक्टिकल मैनुअल। फ्रांसिस मैकनेट ने लिखा है, मैं कई बार इसे पढ़ चुका हूं। कोई फायदा नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए ही है, कुछ काम के लिए नहीं। सैकड़ों साल पहले आत्माओं की दुनिया के इस रहस्य को जानने के लिए लिखा गया है। दिव्य ग्रंथों के वाद विवाद करके बड़े बड़े तांत्रिक और विद्वानों के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। स्वामी जी, तांत्रिक विद्या के बारे में एक बात पूछ सकता हूं क्या? आप जो निवारण करते हैं उसमें आत्माओं की इच्छा जानने के लिए कोई स्थान है क्या? मंत्रों की शक्ति से बंदी बनाकर अपनी रोजी रोटी के चक्कर में आत्माओं पर क्या बीतती है, इसके बारे में कभी सोचा है? उनके लिए कोई उचित समाधान किया है? आप लोगों की नजरों में राक्षस हैं, पिशाच हैं। हवन करके, मंत्रों के जरिए उनका आह्वान करके उन्हें बंदी बनाने के सिवा आप लोग करते ही क्या हैं? क्यों, सही कह रहा? सुनो, ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें जवाब समय देगा इंतजार करने की। अगर तुम में हिम्मत है तो बंगले में मिलना, तुम तैयार रहना। भाई, ये महान हस्ती कौन है? ये उस दुनिया से लड़ने वाले हम जैसों के सच्चे सहयात्री हैं। ठीक है साहब, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, देखो जितने जल्दी हो सके बंगले को खाली करवा लो। शिप कभी भी निकल सकता है, उनके पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। मैंने क्या क्या समझ में आ गया ना? समझ रहा हूं सर, पर वहां कोई रहने के लिए आया है। है वो कौन है क्या है ये देखने का मौका नहीं है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसलिए यहां की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं, हो जाना चाहिए। माइंड इट। सर, शिव प्रसाद ने मुझसे पैसा लिया था। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम चुपके से बंगले के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हेलो। यस सर। वो लोग कहाँ है मैंने ट्रैक कर लिया है, डिटेल्स अभी भेज रहा हूँ, मूव फास्ट। ओके सर। वो किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए। चल चल बाहर, चल चल, खड़ा रह चुपचाप। सच सच बता, अगर तूने नहीं बताया तो तेरे शरीर की कोई भी हड्डी टूटे बिना बचेगी नहीं। अब बता दे, जल्दी बता। इसे अच्छी तरीके से पूछताछ किया लेकिन अभी तक इसने कुछ नहीं बताया। सर, कैसे बताएगा जानता हूं। सीधा खड़ा रहे, जल्दी मुंह खोल। तू डर मत सुखदा, लड़की को तूने कहां छुपाया है ये बता दे, तुझे छोड़ दूंगा। मतलब तुम्हें राशन और चाहिए? नहीं।
अब बता तेरा इरादा क्या है? बता दो वो ऐसा हुआ कि वहां पर मैं जब गया मिस्टर आनंद, आप ये मत सोचिए कि आपकी काबिलियत पे मैं शक कर रहा हूँ। बस इस तकलीफ को मैं और नहीं सह सकता। सर, तंत्र मंत्र से वश में होने वाली ऐसी ताकत नहीं है यहाँ पर, इसलिए शास्त्री जी के प्रयास से यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे शास्त्री जी पे पूरा भरोसा है। अब मैं आगे क्यों बोलूं? जैसी आपकी मर्जी। वैसे भाई के बराबर शास्त्री जी को जोड़ने का प्रयास मत कीजिए। बात करते हैं। जहाँ तक भाई का सवाल है, इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। दुष्ट आत्मा और ईश्वर के बीच होने वाला ये युद्ध कोई बुरा नहीं होगा। हमारा ये युद्ध होगा आत्माओं की शांति के लिए। मुझे लगता है सारी मुसीबत हल हो जाएगी, है ना शास्त्री जी? सब शंखनाद का खेल है। भले ही यहाँ मंत्रों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, अनुरूप कार्य करने वाला ईश्वर है। ईश्वर की दया से जो संभव होगा वही कार्य करने का मेरा प्रयास है। आप थक गए होंगे, घर जाइए। शुभ समाचार का इंतजार आप घर पर कीजिए, सब मंगल ही होगा। चलता हूँ शास्त्री जी। आनंद, मैं अपना कार्य शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। मंत्र शक्ति चैतन्य का समागम एक साथ होगा। माफ कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए, हमें देखने का शौक नहीं, नयम भूतों के फैन है। कर्म दोष है। शिव 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 शिव। देखते ना बंगले में क्या चल रहा है। देख यार, इस बंगले में जितने भी प्रेत आत्माएं हैं उसे आदि शास्त्री जी वश में कर लेंगे। अगर ऐसा मौका अपने भाई को मिल जाता तो बता रहा हूँ एक एक भूत की छुट्टी हो जाती। हमारे भाई का नाम खराब हो जाएगा। भाई, शास्त्री ने तगड़ा सेटअप किया है। वहां से चिल्लाने की आवाज आ रही है। भाई 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 भाई, अरे भाई, आप जाके पकड़िए ना भाई। मैं भाई को अकेले नहीं पकड़ सकता, ये भाई नहीं कोई और है। अरे बाप, मेरा एक हाथ कुछ करना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? चल भाग जा, चलो।
शास्त्री जी हमें बचा लीजिए शास्त्री जी। क्या हुआ शास्त्री जी? आनंद को भूत ने पकड़ लिया है। प्रेत कहाँ है? आनंद के शरीर में। हाँ सच कह रहे हैं, मैं उसके शरीर में उसे पहले देख चुका हूं। उसके शरीर में एक दुष्ट आत्मा का वास है। मैं चलूंगा वहां, इसके बाद इसे पूर्ण तो कर दूं सर्व। सनित शरणम एकत दुष्ट अर्चनम। बस करिए, रुक जाइए शास्त्री जी, उसकी तकलीफ समझिए, ये मेरी विनती है आपसे। मैंने जब तुम्हें देखा था तभी जान गया तुमने किस शक्ति का आवाहन करके अपने वश में करके रखा है। वो तुम्हारा मित्र है लेकिन उसका कुछ कर्म बाकी है भी। शास्त्री जी वो मुझ में से निकल गया है। देवनारायण की आत्मा का आवाहन मैंने अपने शरीर के अंदर किया था, मुझे उसकी जरूरत है। देवा, तुम यहां पर क्यों आए हो? तेरी आंखों के सामने आ जाकर खड़ा हूं तो उसका कारण क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो मेरा। अग्नि शर्मा से तुम्हें छुटकारा मैं दिलवा सकता हूं। वो तुमसे नहीं हो पाएगा। अग्नि शर्मा जैसे दुष्ट तांत्रिक से तुम मेरे अपनों को छुटकारा दिला पाओगे क्या? कई अच्छे अच्छे तांत्रिक भी उससे छुटकारा नहीं दिलवा पाए। मैं हूं ना, तुम्हें उस भेड़िए राक्षस के बंधन से मैं छुड़वाऊंगा। हाँ
उसकी आत्मा को मैंने अपने शरीर में जगा दी। मेरा अगला वार अग्नि शर्मा है। अग्नि शर्मा? हाँ, सारा खेल उसी बुरी शक्ति का रचा हुआ है। उसी की आत्मा को मैं बंदी बनाना चाहता था, लेकिन उसमें मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? इस बंगले के चारों तरफ रक्षक के रूप में चार दुष्ट आत्माओं को रखा है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन चारों का सर्वनाश किए बिना अग्नि शर्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चार रक्षक? जी शास्त्री जी, उन चारों का सर्वनाश आप ही कर सकते हैं। उन चारों के सर्वनाश के लिए ये दोनों साथ देंगे। और तुम? अग्नि शर्मा को दिशा भटकाकर यहां से बाहर निकालें उनके सर्वनाश के बिना नहीं हो सकता। इसी तरह से उनके सबसे बड़े दुश्मन देव नारायण के प्यार लिया नाम की लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। अगर चारों रक्षकों को पता चल गया कि अग्नि शर्मा को नष्ट कर रहे हैं, तो वो रक्षक उससे मिलके उसकी शक्ति और बढ़ा देंगे। फिर देव नारायण और लिया को हम अग्नि शर्मा से मुक्ति नहीं दिलवा पाएंगे। उनको पहले आपकी मंत्र शक्ति से मिटा दें, अग्नि शर्मा को उसके बाद मिटाना आसान होगा। देव नारायण की आत्मा को मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करा दूंगा, लेकिन उस लड़की के लिए लड़की कहां से लाएं? दिशा नाम की एक लड़की यहीं पर पीछे वाले कमरे में है। सारी आत्माएं उसके शरीर में स्थान ले चुकी हैं। वो लड़की अभी भी उसी कमरे में लेटी है। परंतु उसकी जान को खतरा है। क्या खतरा है? उसके शरीर से आत्माओं को निकालते समय चारों ओर से दूसरी आत्माएं हमला कर सकती हैं। उस समय अग्नि शर्मा को उसके शरीर से निकालकर बंदी बनाने में अगर नाकाम रहे तो ऐसी स्थिति में वो उसके शरीर को कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मेरा चैतन्य समागम और आपके तंत्र मंत्र की शक्ति एक साथ मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कहता है। सब कुछ शिव की दया से हो रहा है। अब तुम दोनों जाकर चारों दिशा के रक्षा कवच को खोद कर लाओ। जी शास्त्री जी। कहाँ होगा? उन्होंने कहा कि बंगले के कोने में होगा, तो यहां खोद कर देख। हाँ, मिला। यहां कुछ नहीं है, लगता है कहीं और होगा। हाँ, यहां खोद, यहां पर। हाँ, यहां पर। दांत। जल्दी खोद खोद। खोदता रे खोदता रे। हाँ खोदता रे। सही है सही है। हाँ जल्दी कर। यही है। खुद
रोता रहे। कर रहा हूँ। जल्दी हाथ चला। शास्त्री जी, सब कुछ सफल हुआ, सब शिव की कृपा। जीते जी तो एक नहीं हो पाए, लेकिन आज दोनों आत्माओं को एक करने में सफल हुए। शास्त्री जी, लेकिन हमारा भाई, लड़की हाथ से चली गई तो क्या हुआ? देखो हमें क्या मिला है। चलो ये सब उठाते हैं। क्या हुआ? अब हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। हमारा? हाँ, आराम से, आराम से। हम लोग जिंदा है यार। हम सब मुसीबत से बच गए यार। चल उठा 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 उठा। सर, हम लोग ही मूर्ति चुरा कर लाए थे। तो फिर लड़की किडनैप किसने की? वो भी हमने ही किया था सर। सब कुछ हम लोगों ने ही किया है। क्या देख रहे हो? अरेस्ट कर लो सर। ये है घोस्ट वेला,
मौत का है ये किला, जो भी यहाँ पे है आया उसे मौत मिला। भूतों का है खेला, रूहों का ये मेला, दस्तक दे मौत यहाँ बजना। मेरी मानो कहते हैं इसे सभी अब तो घोष्ट बिल्ला, जरा सुनो यारो बात मेरी मानो कहते हैं इसे सभी अब तो घोष्ट बिल्ला। ये हॉरर सिनेमा घोष्ट बिल्ला, भूतों का डेरा घोष्ट बिल्ला, ये घोष्ट बिल्ला।